कि ये पैटर्न किस तरफ इशारा कर रहा है। तीन अलग अलग त्योहार होते हैं और तीन दंगे हिंदुस्तान देखता है। नया वर्ष याद कीजिए, 2 अप्रैल राजस्थान के करौली में दंगा होता है, हिंदू नववर्ष उसकी बात कर रही हूँ। रामनवमी 10 अप्रैल को एमपी के खरगोन में दंगा हो जाता है। आगे आइए, हनुमान जन्मोत्सव 16 अप्रैल को जगह जगह शोभा यात्रा निकलनी थी, दिल्ली के जहांगीरपुरी में क्या होता है, दंगा हो जाता है। और हनुमान जन्मोत्सव पर सिर्फ दिल्ली के जहांगीरपुरी में ही पथराव नहीं होता है, उधर हुबली कर्नाटक में थाने पर पथराव होता है, 4 पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। कुर्नूल आइए, आंध्र प्रदेश के 2 समुदाय में झड़प होती है, 15 लोग घायल बताए जाते हैं। हरिद्वार आइए, उत्तराखंड में भगवानपुर में शोभा यात्रा निकाली जाती है, उस पर पथराव होता है। ये पैटर्न क्या बता रहा है? क्यों इस तरीके से जो सामाजिक सौहार्द, जो ताना बाना होना चाहिए था, जो गंगा जमनी तहजीब जगह के अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से दिखाई दे रही है, वो हर जगह क्यों नहीं है? ABP News, आपको रखे आगे।